सो नाउ वी डूइंग चैप्टर नंबर 6, दैट इज फैसिलिटेशन बॉडीज, जो कि हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में कौन कौन सी बॉडीज हैं जो कि ट्रेड को फैसिलिटेट करवाती हैं। इनमें हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है इसने क्या क्या रोल प्ले करा है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं टू द ट्रेडर हु आर एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ था 1982 में अंडर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक एक्ट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि आया था 1981 में। इसका बेसिक पर्पस क्या था कि जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है उसको हमने इन्हांस करना है, एंड सेकेंडली इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको इंडिया की ग्रोथ के साथ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, कि जैसे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसके साथ साथ हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी क्या हो, दैट वो भी हमारे साथ साथ में ग्रो करे। सो दिस वाज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस बॉडी। वे वी विल सी द ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू ऑन कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है क्या एंड इसने क्या क्या चीजें अभी तक करी हैं। ठीक है, तो जब ये बैंक एस्टैब्लिश किया गया था, इट्स मेन पर्पस वाज टू एस्टैब्लिश इट एज अ एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइडर। जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इसका मेन पर्पस था। ठीक है, एंड इट एक्ट सिमिलरली एज जो भी एक्सपोर्ट क्रेडिट की एजेंसीज बाहर एस्टैब्लिश हैं, जो और भी कुछ एस्टैब्लिश है उनकी तरह ही सिमिलरली ये एक्ट करता है। ठीक है, मेन फोकस इसका किस पे था, हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट के ऊपर। एंड इसका इंडियन इंडस्ट्रीज का इंटरनेशनल ट्रेड में ग्रोथ में काफी मेन रोल रहा है, बिकॉज इट हैज इंट्रोड्यूस्ड मैनी न्यू वेज ऑफ फाइनेंस एंड इट हैज प्रमोटेड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन इंडिया ऑन अ ह्यूज लेवल, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्टली हमने ये देखा कि इसका मेन पर्पज इज टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द पार्टीज हु आर एक्सपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया। बट उसमें भी अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करी जाए तो हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक का मेन फोकस किस पे था, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर, बिकॉज लार्ज कंपनीज तो बहुत कम है। ठीक है, बट देर आर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ और ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेडर्स इन इंडिया जो कि है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक को मेन जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, एंड इसका मेन पर्पज क्या है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको प्रोडक्शन के हर स्टेज के ऊपर फाइनेंस जो चाहिए वो ही आपको प्रोवाइड करेगा। नाउ वी आर सीइंग द इनिशिएटिव्स कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ने क्या क्या इनिशिएटिव्स अब तक लिए हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है कि प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को किसी ने अगर एनकरेज करा है तो दैट इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। सी बिफोर इफ यू गो इन ट्रेडिशनल इंटरनेशनल ट्रेड, हमारा ट्रेड होता क्या था, दैट वी यूज टू ट्रेड इन गुड्स एंड मेनली गुड्स। ओके, लेकिन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ने आकर प्रोजेक्ट के एक्सपोर्ट करने को क्या करा है, प्रमोट करा है कि आप प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्ट करो। लाइक इट कैन बी एक्सपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स कैन बी एनीथिंग, कि आप वहां जाकर उनका प्रोजेक्ट बना रहे हो या यहाँ पे आप उनको सर्विसेज दे रहे हो किसी भी तरह की इन प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। तो इसमें क्या होता है कि सर्विसेज भी आती है एंड गुड्स का एक्सपोर्ट भी होता है, तो इस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ने काफी ज्यादा प्रमोट करा इस चीज को। एंड इसने प्रमोट कैसे करा, इट हेल्प्ड इन इंडियन कंपनीज टू सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम फॉरेन एजेंसीज, फॉरेन एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट लेने में उनकी मदद करता था। सेकेंडली इसका क्या इनिशिएटिव था कि इन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट देनी शुरू करी है डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स की, जो इंडियन मार्केट के बायर हैं जो फॉरेन में एस्टेब्लिश है, मीन्स इंडियन कंपनीज के फॉरेन बायर्स जो हैं उनको क्रेडिट टर्म्स दी हैं। एंड उनको क्रेडिट टर्म्स देने से क्या हुआ, उनकी एबिलिटी बढ़ेगी कि वो इंडिया से जब सामान खरीदेंगे दे हैव द एबिलिटी टू पे। दिस इज समथिंग जो हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपोर्टिंग कंट्री की गवर्नमेंट जो है दैट विल प्रमोट दैट विल प्रोवाइड क्रेडिट टू द बायर, ताकि उस कंट्री का एक्सपोर्ट प्रमोट हो। राइट, तो सिमिलरली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक भी क्या करता है, बायर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करता है ताकि एक्सपोर्टर को वो पे कर सके। एंड इससे क्या होता है, एक्सपोर्टर के पास नॉन रिकोर्स जो है फाइनेंस पर मिल जाता है एक्सपोर्टर को भी, एंड उसका क्रेडिट रिस्क जो है वो मिटिगेट हो जाता है। ठीक है, तो हमारी एक्सपोर्ट की सेल्स बढ़ाने में इसने इस तरह से हेल्प करी है। नेक्स्ट इनिशिएटिव अगर हम देखें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक का, दैट इज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस प्रोग्राम। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू एक्सिम बैंक ने कैसे प्रमोट करा इंटरनेशनल ट्रेड को, कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्विजिशन हमने अगर इंडियन कंपनीज ने बाहर करनी है फॉरेन की कंपनीज में, तो
इट यूज टू हेल्प देम इन इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्रीज. ओके, इंटरनेशनली अगर इंडिया की कंपनीज एक्सपैंड करना चाहती है, वो फॉरेन की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहती है बाई फॉर्म ऑफ लोन, एक्विटी या किसी भी मीन के थ्रू वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उसमें एक्सिम बैंक उनको हेल्प करता है. नेक्स्ट क्या करता है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इन प्रोडक्शन फैसिलिटी. अगर आपने प्रोडक्शन करनी है गुड्स की फॉर एक्सपोर्ट, तो उसके लिए भी ये आपको क्या करेगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा ताकि आप प्रोडक्शन कर सको इजिली एंड एक्सपोर्ट जो है प्रमोट हो सके. ठीक है, हेल्प ये कैसे करता है, इट इट कैन प्रोवाइड यू टर्म इट कैन प्रोवाइड यू विथ टर्म जोन, और ये आपको कुछ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करने में हेल्प कर सकता है, या कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट्स होते हैं, स्पेशली कौन, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बिकॉज इसका मेन फोकस क्या है कि उनकी ग्रोथ में ये हेल्प करेगा इन इंटरनेशनल ट्रेड. तो अगर उनको भी कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटी न्यू बनानी है तो ये उनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है उस केस में. नेक्स्ट, अनदर एक इनिशिएटिव अगर हम देखें एक्सिम बैंक का, वो क्या है कि इट प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट मार्केटिंग फाइनेंस प्रोग्राम, जहां पे ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स यू फाइनेंस ताकि आप अपने गुड्स को प्रमोट कर सको इन इंटरनेशनल मार्केट. इसमें ये क्या करता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो एफर्ट है इन मार्केटिंग, बिकॉज अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने हैं गुड्स, तो हमें मार्केटिंग भी उस लेवल की करनी पड़ेगी एंड उसके लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है. तो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिकली फॉर देयर मार्केटिंग एंडेवर्स. सो दिस इज अनदर इनिशिएटिव दैट इज टेकन बाय एक्सिम बैंक. नेक्स्ट आ जाते हैं द रूरल इनिशिएटिव प्रोग्राम. रूरल इनिशिएटिव प्रोग्राम में क्या है कि अगर हमारे जो रूरल एरिया के जो फार्मर्स हैं या कुछ वहां के इंडस्ट्रीज हैं, वो अगर प्रमोट करना चाहते हैं अपना ट्रेड, वो अगर अपना इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं, तो उनको प्रमोट करता है, उनकी हेल्प करता है कि वो कैसे जाके फॉरेन मार्केट में अपना एस्टेब्लिश हो सकते हैं. नेक्स्ट इनिशिएटिव बाय एक्सिम बैंक इज एक्सपोर्ट मार्केटिंग सर्विस प्रोग्राम. इसमें क्या है, देखो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा एक्सपोर्ट मार्केटिंग फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केटिंग में ही हेल्प कर रहा है. ऊपर मार्केटिंग करने के लिए फाइनेंस दे रहा था, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उनको मार्केटिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है एक तो, एंड सेकेंडली अगर आपको फॉरेन से ऑर्डर लाने हैं तो वो ऑर्डर प्लेसमेंट में आपकी मदद करेगा, एंड इस तरह से वो आपकी हेल्प करता है इन मार्केटिंग. नेक्स्ट आ जाता है पार्ट वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्ट. ऊपर जो फैसिलिटीज दे रहा है फाइनेंस की या प्रमोट करने की ट्रेड को, उसके अलावा ये इंफॉर्मेशन भी देता है एंड सपोर्ट भी देता है. इंफॉर्मेशन आपको ये क्या देगा, जो भी आप फॉरेन बायर से या फॉरेन सेलर से डील कर रहे हो, उनके बारे में आपको कुछ ना कुछ डिटेल चाहिए होती है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए कि हम इन लोगों के साथ डील करें या ना करें या किस तरह से हमें डील करना चाहिए. तो वो सारी चीजों में ये आपको क्या करता है, ये आपको गाइड करता है एक्सिम बैंक. ठीक है, इट विल हेल्प यू इन इवेल्युएटिंग कि आपकी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप करने जा रहे हो उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है, उसमें क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए. तो ये सारी चीजों में इट विल हेल्प द ट्रेडर. सो दीज आर द इनिशिएटिव्स दैट वर टेकन बाय एक्सिम बैंक. अब हम देखेंगे कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड में एक्सिम बैंक का क्या रोल है. सी फर्स्ट रोल इज कि इट एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटर. हाउ इट एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटर, बिकॉज ये क्या करता है, आपने जो प्रोजेक्ट या सर्विसेज एक्सपोर्ट करनी है उसमें आपको फैसिलिटेट करता है कि आप उनको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो इट हेल्प्स यू इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज. सेकेंडली ये सोर्स ऑफ फाइनेंस तो प्रोवाइड करता ही है, बिकॉज इट विल गिव यू मैनी ऑप्शन टू फाइनेंस योर प्रोजेक्ट और योर एक्सपोर्ट और योर ट्रेड, वट एवर यू वॉन्ट टू फाइनेंस, इट विल प्रोवाइड यू मैनी ऑप्शन टू डू दैट, राइट. तो इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. थर्ड, इट ऑल्सो एक्ट एज अ कंसल्टेंट, बिकॉज ये आपको एडवाइस भी दे रहा है कि आप अपना रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हो, या आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अबाउट द फॉरेन बायर्स, तो डेफिनेटली ये आपका कंसल्टेंट भी हो गया. नेक्स्ट, प्रोमोटर, इट विल ब्रिंग आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज, इट विल ब्रिंग न्यू प्रोग्राम्स थ्रू विच स्मॉल एंड मीडियम, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कैन इंक्रीज देयर एफर्ट्स एंड इंक्रीज देयर प्रेजेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट. सो दीज आर सम रोल्स दैट आर प्लेड बाय एक्सिम बैंक इन द इंटरनेशनल ट्रेड. Now another topic and or another area where Exim Bank deals is in export credit, because we already studied ki Exim Bank finance provide karega, to uske regarding first thing hum jo study karne wale hain, that is the export credit jo Exim Bank provide karega.
अब ये कैसे प्रोवाइड करते हैं ये अलग अलग लोगों को. सी फर्स्टली वी आर सेइंग कि ये एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करेगा टू द इंडियन कंपनीज हु आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ओवरसीज, राइट. तो फर्स्टली तो ये हो गया. उसमें ये क्या करेगा, प्री शिपमेंट क्रेडिट प्रोवाइड करेगा. नाउ वी हैव स्टडीड प्री शिपमेंट क्रेडिट दैट आपको शिपिंग करने से पहले जितने भी प्रोडक्शन में चीजें रिक्वायर्ड हैं उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एग्जिम बैंक, एंड फाइनेंस प्रोवाइड करेगा आपके प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए. वो फाइनेंस आपका रुपये में भी हो सकता है एंड फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है. एंड उसका मेन पर्पस क्या है, आपकी रॉ मटेरियल परचेज एंड आपकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करना. ऑल दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड इन प्री शिपमेंट फाइनेंस, राइट. नेक्स्ट है द सप्लायर्स क्रेडिट. नाउ सप्लायर्स क्रेडिट इज ऑल्सो इन अदर टर्म दैट यू आर अवेयर ऑफ, ठीक है. एग्जिम बैंक क्या करता है, आपको सप्लायर्स क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप अपने बायर्स को ज्यादा क्रेडिट टर्म अलाउ कर सकते हो, क्योंकि आपको तो पैसे पहले मिल जाएंगे बैंक से, राइट. बट आप बायर को ज्यादा क्रेडिट टर्म दे सकते हो, एंड उससे क्या होता है आपका एक अपर हैंड बन जाता है ट्रांजेक्शन में. तो सप्लायर क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज कि जो लोगों ने प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना है, दोज हु आर प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स, बिकॉज फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ एक्सिम बैंक वाज टू एनकरेज प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट. तो ऑब्वियसली जो लोग प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके जो भी एक्सपेंडिचर होंगे उनको फाइनेंस करता है ये. नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर किसी ने कंसल्टेंसी या टेक्निकल सर्विसेज देनी है तो उनको भी ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये क्या फाइनेंस करते हैं कि अगर आपने बाहर सर्विसेज देनी है तो यू नीड द टेक्निकल मैन पावर, यू नीड द टेक्निकल रिसोर्सेज, एंड इट विल हेल्प यू इन इन्वेस्टिंग इन दोज रिसोर्सेज बाय प्रोवाइडिंग यू सुटेबल और द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है. नेक्स्ट क्या फैसिलिटी देता है ये हमें, गारंटी फैसिलिटीज. गारंटी फैसिलिटीज देके ये क्या करते हैं कि हमारे ट्रांजेक्शन में से रिस्क वाला पार्ट जो है वो कम कर देता है. तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइनेंसिंग द एक्सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ गारंटी. सो ये सारी चीजें हम नॉट डिस्कसिंग इन मच डिटेल बिकॉज ऑल द टर्म्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड हम जस्ट ये रोल देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक का क्या रोल है. अभी हमने देखा कि जो इंडियन एंटिटीज ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनको क्या देता है. नाउ देर आर सम एंटिटीज हु आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन इंडिया, जो कि हमने पहले डिस्कस करा, जैसे कि SCCs होते हैं बेसिकली हमारे, राइट. सो अगर वो लोग हैं उनको किस किस तरह का ट्रेड फाइनेंस करता है ये, तो वी आर गिवन सम एग्जाम्पल जिसमें वो टर्म फाइनेंस देता है. ना टर्म फाइनेंस इज कि आपको एक लोन दे गया एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जिसमें वो आपके प्रोजेक्ट फाइनेंस कर सकता है, इक्विपमेंट फाइनेंस कर सकता है, या आपका टेक्नोलॉजी वगैरह रिलेटेड सर्विसेज दे सकता है, डोमेस्टिक एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट R&D, या ग्लोबल जनरल कॉर्पोरेट फाइनेंस. सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ फाइनेंस जो दे सकता है. यू जस्ट नीड टू रीड इट वंस, ठीक है. नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस. वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो देता है एक्सिम बैंक टू एंटिटीज हु आर इंगेज्ड इन एक्सपोर्ट, ओके. वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कैन बी फंडेड, कैन बी नॉन फंडेड. नॉन फंडेड में हमारा सिमिलर आ गया गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, बट फंडेड में क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन हो सकते हैं आपके, लॉन्ग टर्म लोन हो सकते हैं, या बिल्स डिस्काउंट हो सकते हैं, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, कैश फ्लो फाइनेंसिंग. नाउ ये सारे टर्म्स आपने पहले डिस्कस करी हुई है, इनका मीनिंग भी आपको पहले समझाया जा चुका है, राइट. नेक्स्ट हमारा आ जाता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फॉर नॉन एक्सपोर्टिंग कंपनीज. अगर नॉन एक्सपोर्टिंग कंपनी है बट उसने क्या करना है, रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करना है बाहर से, फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, तो उस केस में भी आपको बल्क बल्क इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल के लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सकता है बाय द एक्सिम बैंक, ठीक है. सिमिलरली टर्म फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जा सकता है टू अ नॉन एक्सपोर्टिंग कंपनी फॉर इम्पोर्ट ऑफ इक्विपमेंट, बिकॉज अगर हम फॉरेन से इक्विपमेंट इम्पोर्ट करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, हमारा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगा, हमारा प्रोडक्शन का तरीका बेटर होगा. तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, ये आपको फाइनेंस प्रोवाइड करता है बिकॉज इट वॉन्ट्स की इंडिया की पोजिशन डेवलप हो इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है. एक्सपोर्ट फाइनेंस में हमने देख लिया कि किस किस तरह के फाइनेंस है, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, बिल्स डिस्काउंटिंग एंड एक्सपोर्ट रिसीवेबल फाइनेंसिंग. सो ये सारे फाइनेंस आपको ये प्रोवाइड कर सकता है. एक और तरीके से ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एक्विटी पार्टिसिपेशन. नॉर्मली जो फाइनेंस हम देखेंगे अभी तक हमने जो स्टडी करा है दैट वाज मोर और लेस रिलेटेड टू द डेट पार्ट, जहां पे आपको लोन दिया जा रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, चाहे वो लॉन्ग टर्म है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल है, या किसी भी तरह का वो लोन है. लेकिन आपको फाइनेंस वो एक्सिम बैंक फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है बाय इक्विटी पार्टिसिपेशन, कि आपकी इक्विटी में पार्टिसिपेट करके वो आपको फाइनेंस दे देगा, ठीक है. इससे क्या होगा कि आप अगर कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स लाना चाहते हो या कुछ आप
एक्सपेंशन करना चाहते हो तो वो आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज फाइनेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय एक्सिम बैंक. ठीक है, उससे क्या होगा, आपके ऊपर डेट का पार्ट भी नहीं आएगा. तो इक्विटी पार्टिसिपेशन के थ्रू भी एक्सिम बैंक प्रमोट्स द ट्रेड. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एनहांसमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई सेक्टर. सो दिस इज अ स्कीम जो कि इंट्रोड्यूस करी गई है बाय एक्सिम बैंक, जिसके थ्रू को क्या करता है, एमएसएमई सेक्टर दैट इज मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को क्या करता है, प्रमोट करता है उनके टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, उन ताकि वो लोग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में ज्यादा इन्वेस्ट करें. तो उसके लिए भी ये क्या करता है, बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करता है ताकि इन लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए एंड इनकी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को एनहांस करा जा सके. अगर इंडियन कंपनीज फॉरेन के वेंचर्स या कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, इन इक्विटी, उनकी इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी एक्सिम बैंक दे विल प्रोवाइड एक्सिम बैंक विल प्रोवाइड देम विद द रिक्वायर्ड सपोर्ट. ठीक है, फर्स्टली कि आपको अगर बाहर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है इक्विटी में, नाउ व्हाई विल अ कंपनी वांट टू इन्वेस्ट इन अ फॉरेन कंपनी, बिकॉज अगर वो फॉरेन कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करेगी, इट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज. उससे क्या होगा कि वो अपनी अपनी एक्टिविटीज को एक्सपेंड कर सकती है टू अ इंटरनेशनल लेवल. इसलिए जब भी इंडियन कंपनीज बाहर की कंपनी में इक्विटी इन्वेस्ट करना चाहती है तो एक्सिम बैंक विल ऑलवेज प्रमोट दैट. ठीक है, इसमें वो डायरेक्ट फाइनेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं या वो एक्विजिशन के लिए भी फाइनेंस कर सकते हैं आपको. ठीक है, सो दिस इज अनदर फैसिलिटी जिसमें वो गारंटी या फाइनेंस दे के आपको इक्विटी पार्टिसिपेशन में हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारी फैसिलिटी आती है कॉन्फर्मेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट बाय एक्सिम बैंक अंडर GTFP ऑफ द IFC. नाउ GTFP इज अ फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड बॉडी जिनके जिन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए एक प्रोग्राम निकाला था IFC, जिसके अंडर एक्सिम बैंक क्या कर सकता है, एक इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन निकाला था उन्होंने, जिसके अंडर एक्सिम बैंक क्या कर सकता है, IFC के अंडर जो भी कंट्रीज हैं उन्होंने अगर LC इशू करनी है तो एक्सिम बैंक वो LCs को कंफर्म करके एक एडिशनल गारंटी प्रोवाइड कर सकता है. बट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक्सिम बैंक कौन सी कंपनी कंट्री के कंपनी को LC को करेगा कंफर्म, जिनका IFC में ही पार्टिसिपेशन है. अगर IFC में पार्टिसिपेशन नहीं है तो वो उस चीज को प्रमोट या कंफर्म नहीं करेगा. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कंफर्मेशन ऑफ LCs की एक इशुइंग बैंक ने LC आपको इश्यू करी है कि आप वो आपको पेमेंट कर देगा, उसके ऊपर एक आपकी कंट्री का बैंकर कर रहा है एक एडिशनल कंफर्मेशन या अपनी एक एडिशनल गारंटी दे रहा है, तो एक्सिम बैंक इंडिया में वो पार्ट भी प्ले करता है. ओके, सो जो IFC को फाइनेंस करने वाला प्रोग्राम है उसमें क्या है कि 74 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग एंड ये क्या करता है, LC उन्हीं कंट्री की कंफर्म करेगा जो कि पार्टिसिपेंट है. ठीक है, उनका रिस्क उनका इशुइंग बैंक का LC कंफर्म करके ये क्या कर रहा है, एक रिस्क को कवर कर रहा है. एलिजिबल कौन है, जो कि IFC में अप्रूव करना पड़ता है बैंक को. ठीक है, सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ दी दिस फाइनेंस. हाउ इट वर्क्स, इट सिमिलर कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्टर की कंट्री जाएगी LC, इम्पोर्टर जो है अपनी कंट्री के बैंक के पास जाएगा LC लेने. जब उसको LC इश्यू हो जाएगी तो इश्यूइंग बैंक जो है इम्पोर्टर को LC दे देगा. नाउ इम्पोर्टर विल इन्फॉर्म द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर विल डिमांड कि मुझे एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए. अगर एक्सपोर्टर डिमांड करेगा कि उसको एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए एंड दैट कंट्री इज अ पार्टिसिपेंट इन IFC, देन वो क्या कर सकते हैं, फर्दर एक्सिम बैंक के पास भेज सकते हैं फॉर कंफर्मेशन ऑफ LC. ठीक है, लेकिन अगर LC आप एक्सिम बैंक से क्या करवा रहे हो, कंफर्म करवा रहे हो, तो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते हो विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ एक्सिम बैंक, बिकॉज एक्सिम बैंक क्या कर रहा है, आपके क्लेम के ऊपर एक अपनी गारंटी दे रहा है, तो आप उसमें अगर कुछ भी चेंज कर रहे हो तो आपको उसकी कंसेंट के बिना नहीं कर सकते हो. ठीक है, देन एक्सपोर्टर को क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई हो रही हैं. अगर इश्यूइंग बैंक पेमेंट नहीं करता तो उस केस में एक्सिम बैंक पे करेगा. ठीक है, नाउ एक एडिशनल चीज की, क्योंकि हमने LC वाले पार्ट में पढ़ा हुआ है कि आपको अगर LC को फाइनेंस LC से पैसे लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, नेगोशिएटिंग बैंक के पास जाना पड़ता है. तो इस केस में एक्सिम बैंक नेगोशिएटिंग बैंक का रोल भी प्ले कर सकता है, तो दैट इज ऑल्सो कैन बी डन बाय एक्सिम बैंक.
बाकी हम पढ़ ही चुके हैं कि आपको इंफॉर्मेशन एडवाइजरी या सपोर्ट सर्विस जो भी इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग है वो प्रोवाइड करता है एक्सिम बैंक, ठीक है। अब नेक्स्ट रहता है लाइंस ऑफ क्रेडिट। एक चीज हमने अभी पढ़ी है दैट इट कंफर्म्स लेटर ऑफ क्रेडिट। अनदर इसकी लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है किसको, फॉरेन के जो बायर हैं, ओवरसीज एंटिटीज जो हैं उनको लाइंस ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है ताकि वो डेफर्ड क्रेडिट टर्म में हमारी कंट्री से सामान खरीद सके। इससे क्या होता है, एक्सपोर्टर को नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग मिल जाती है, बिकॉज रिस्क कौन ले रहा है, बैंक ले रहा है। अगर कल को पेमेंट नहीं आती तो बैंक एक्सपोर्टर के पास नहीं आ सकता, ठीक है। एंड इससे क्या होता है कि अगर लाइन ऑफ क्रेडिट आप ओवरसीज एंटिटीज को दे देते हो तो उनका इंडियन मार्केट में या उनका डोमेस्टिक मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री आप इजी कर देते हो, ठीक है। सो हाउ डज दिस वर्क, दिस लाइन ऑफ क्रेडिट? फर्स्टली क्या होता है कि एक एक्सपोर्टर, एक एग्जिम बैंक जो है वो एग्रीमेंट साइन करेगा बोरोअर के साथ, जो बोरोअर एग्जिम बैंक के पास आया है कि आप मुझे लोन दीजिए, ठीक है। सी अगर हम यहाँ पे लिख के चलें, दिस इज अ बोरोअर एंड दिस इज एग्जिम बैंक, ओके। बोरोअर आएगा एग्जिम बैंक के पास फाइनेंस लेने, एग्जिम बैंक क्या करेगा, उसको फाइनेंस अलाउ कर देगा, ठीक है। नाउ एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर आपस में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बोरोअर ही हमारा क्या है, इम्पोर्टर है, राइट, बिकॉज हम ओवरसीज एंटिटीज जो परचेज कर रहे हैं उनको फाइनेंस दे रहे हैं। सो बोरोअर ने एग्जिम बैंक से फाइनेंस लिया एंड इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर लिया एंड साइन कर लिया, एंड इन्होंने अप्रूव भी कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव एंड साइन हो गया उसके बाद एग्जिम बैंक क्या करेगा, इट विल अप्रूव द लोन ऑफ इम्पोर्टर, ठीक है। इसने इसका लोन अप्रूव कर दिया, देन क्या करेगा, एक्सपोर्टर गुड्स को शिप कर देगा किसके पास, इम्पोर्टर के पास गुड्स शिप कर देगा। जैसे ही गुड्स पहुंच गए तो उस केस में क्या होगा, कमर्शियल बैंक नेगोशिएट एंड पे दी एक्सपोर्टर। सो लाइन ऑफ क्रेडिट वर्क कैसे करेगा, हमारी इसमें चार पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहली पार्टी होगी एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, एग्जिम बैंक एंड कमर्शियल बैंक, ओके। इम्पोर्टर ही क्या है, बोरोअर भी है, बिकॉज हम लोन किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ओवरसीज एंटिटी जो हमसे सामान खरीद रही है, राइट। इम्पोर्टर जाएगा एग्जिम बैंक के पास लोन लेने एंड एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, नेगोशिएट एंड साइन, एक साइन कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि कितने गुड्स उसको बेचेगा एंड जो भी सारे टर्म्स है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में वो डिसाइड कर लेंगे। एक्सपोर्टर गुड्स भेज देगा इम्पोर्टर को, शिप कर देगा। उसके बाद एक्सपोर्टर शिप गुड्स शिप करने के बाद कमर्शियल बैंक को क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स भी भेज देगा। नाउ कमर्शियल बैंक के पास जब एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स आ गए वो क्या करेगा, वो एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा। एंड कमर्शियल बैंक एंड एक्सिम बैंक की आपस में एग्रीमेंट होगी जिसमें एक्सिम बैंक इसको रीइंबर्स करेगा, कमर्शियल बैंक को सारी पेमेंट रीइंबर्स कर देगा एंड एक्सिम बैंक पेमेंट किससे रिकवर करेगा, फ्रॉम द इम्पोर्टर। सो अल्टीमेटली रिस्क कौन ले रहा है, एग्जिम बैंक ले रहा है। तो दिस इज द होल प्रोसेस जिसमें सबसे पहले एग्रीमेंट किसके साथ साइन होगा, बोरोअर के साथ साइन होगा, देन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर आपस में कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट साइन एंड अप्रूव कर देंगे। एग्जिम बैंक क्या करेगा, अप्रूव एंड एडवाइस करेगा कॉन्ट्रैक्ट तीन लोगों के साथ, बोरोअर हमारा, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर एंड कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के साथ भी एग्रीमेंट कर दी। जब गुड्स शिप हो गए कमर्शियल बैंक क्या करेगा, एक्सपोर्टर को पे कर देगा एंड कमर्शियल बैंक को रीइंबर्स कर देगा पेमेंट एग्जिम बैंक, एंड देन एग्जिम बैंक को पेमेंट रीपे कौन करेगा, इम्पोर्टर करेगा। तो ये हमारा सारा प्रोसीजरल फ्लो चार्ट है ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट जो हम प्रोवाइड करते हैं टू ओवरसीज बायर्स ताकि वो हमसे गुड्स ज्यादा परचेज करें एंड हमारा एक्सपोर्ट जो हो प्रमोट हो जाए, राइट। अब इसमें कौन कौन से गुड्स एलिजिबल हैं जो कि फाइनेंस किए जाते हैं, कोई भी तरह के गुड्स हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी, इंडस्ट्रियल गुड्स, जो भी हैं, कोई किसी भी तरह के गुड्स जो कि हमारी एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी के अंडर अलाउड होना चाहिए उनमें ट्रेड। एंड अगर कुछ जनरल आप हम चीजें देखें जो हमारी डिस्कस करने रह गई हैं, जब भी एक्सपोर्टर एग्जिम बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे पहले वो उनको चेक जरूर कर ले, एंड सेकेंडली जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है लाइन ऑफ क्रेडिट की उस चीज को वो ध्यान से पढ़ ले। सो दीज आर सम जनरल गाइडलाइंस अंडर लाइन ऑफ क्रेडिट।
तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, दैट इज एक्सपोर्टिंग बोर्ड बैंक ऑफ इंडिया. हमने सारा पढ़ लिया कि इसका क्या इनिशिएटिव, क्या क्या इसने करे हैं. एंड सेकेंडली, दो तरह की हमने पढ़ी है जो क्रेडिट फैसिलिटी ये दे रहा है. फर्स्टली इज कंफर्मेशन ऑफ एलसीज ऑफ बैंक्स अंडर IFC. एंड सेकेंडली हमने इसका देखा है, इट प्रोवाइड LOCs, दैट इज लाइन ऑफ क्रेडिट टू ओवरसीज बायर्स. ठीक है, ऐसी हमारी नेक्स्ट बॉडी जो इसमें आती है, इन इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेटिंग बॉडी, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इसके नाम से क्लियर होता है कि इसका पर्पस क्या है, कि एक्सपोर्ट क्रेडिट के रिलेटेड गारंटीज में ये डील करने वाला है. ठीक है, ये स्टार्ट कब हुई थी, 1957 में ये बॉडी स्टैब्लिश करी गई थी. एंड इसका मेन पर्पस क्या था, एक्सपोर्ट प्रमोट करना, सिमिलर टू एक्सिम बैंक. नाउ दिस बॉडी ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यू कैन रिमेम्बर द नेम. एंड इसको मैनेज कौन करता है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किस किस के, गवर्नमेंट के, RBI के, बैंक के, इंश्योरेंस के एंड एक्सपोर्टिंग कमेटी के. मीन्स जो भी पार्टीज मोस्टली इन्वॉल्व होती हैं इन इंटरनेशनल ट्रेड, उन सब पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इस बॉडी के क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है. एंड दे मैनेज इट्स ऑपरेशंस. एंड इट इज वन ऑफ द सेवेंथ लार्जेस्ट, लाइक जितने भी क्रेडिट इंश्योरर्स हैं उनमें से सेवेंथ नंबर पे ही आता है इन इंटरनेशनल मार्केट. वट इज रोल ऑफ ECGC, या ECGC क्या करता क्या है? तो दो रोल्स हैं. फर्स्ट इज क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एंड सेकेंड इज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस. क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस क्या है, कि जब आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें आपका क्रेडिट रिस्क हमेशा रहता है कि सामने वाला पर्सन पे करेगा या नहीं करेगा, तो वो वाले रिस्क को इंश्योर किया जा रहा है. एंड सेकेंडली, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंश्योरेंस ही जा रही है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, अगर उसमें कुछ खराब होते तो आपको सेफ्टी रहे उस चीज की, राइट? क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस में क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया दैट इट प्रोवाइड रिस्क की अगर कल को आपको रीपेमेंट नहीं होती, उस चीज से आपको कुछ लोन होता है, तो इट विल रिकवर द अमाउंट, इट विल रीइंबर्स यू द अमाउंट. ठीक है, इसमें इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है एंड गारंटीज भी प्रोवाइड करता है. वी डिस्कस की ECGC को बनाने का मेन पर्पस क्या था, कि हमारा एक्सपोर्ट जो है प्रमोट किया जा सके, राइट? हाउ विल इट हेल्प द एक्सपोर्टर, तो वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्टली क्या, पेमेंट रिस्क से प्रोटेक्शन करके, सेकेंडली एक्सपोर्ट फाइनेंस सपोर्ट देके, एंड थर्ड डेट रिकवरी असिस्टेंस देके. ठीक है, सबसे पहले जब आप गुड्स भेजोगे, सेल करोगे क्रेडिट पे, आपको सबसे पहला रिस्क आएगा कि आपको पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उससे अश्योरेंस आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, ECGC. देन आपने जो क्रेडिट पे सेल करी है उस चीज को आपको फाइनेंस भी करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हो तो यू शुड हैव द अबिलिटी, आपको भी फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा उस टाइम के लिए, तो वो फाइनेंस भी आपको प्रोवाइड करता है. एंड थर्ड, अगर आपको कुछ लॉस हो जाता है तो उस चीज को रिकवर करने में भी हेल्प करता है. तो ये तीन तरह से ही आपकी हेल्प करता है. सबसे पहले ये आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि अगर आपको कुछ लॉस होता है बाय नॉन रिपेमेंट, उस चीज को ये कवर करेगा. एंड ये आपको क्रेडिट रेटिंग भी प्रोवाइड करके देता है, जो आप पार्टी से डील कर रहे हो उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके कि किस पर्सन को कितना क्रेडिट देना है, राइट? नेक्स्ट, एक्सपोर्ट फाइनेंस सपोर्ट, जो भी आपको एक्सपोर्ट फाइनेंस चाहिए होता है वो भी आपको ये प्रोवाइड करके देगा, ताकि आप अगर आगे क्रेडिट टर्म दे रहे हो तो आपको फाइनेंस मिल सके. अगर आपको कुछ बैड डेट्स हो जाते हैं उसको रिकवर करने में हेल्प करता है. एंड क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द बायर के ऊपर आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. नाउ वी डिस्कस की एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, की अगर कल को पेमेंट फेल हो जाती है तो उस चीज के अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है. बट उस चीज की नीड क्या है, तो देखो हमेशा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है दो कंट्रीज के बीच में. हो सकता है कुछ वॉर हो जाए या कुछ हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में हमेशा एक रिस्क बना रहता है कि क्या हमें पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उस रिस्क को कवर करती है ये इंश्योरेंस. ठीक है, अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाता है तो उस केस में पेमेंट जो है वो ऑब्वियसली पेमेंट हमारी रुक जाएगी, पेमेंट आएगी नहीं, तो उस सिचुएशन को भी कवर करता है. नाउ नॉर्मली जो इंश्योरेंस होती है दे डू नॉट कवर दी वॉर क्लॉज, बट आप वो वॉर क्लॉज भी ऐड करवा सकते हो. ठीक है, एंड थर्डली,
इट एनेबल्स योर एक्सपेंशन, क्योंकि अगर आपको रिस्क कम होएगा ऑफ नॉन रिपेमेंट, तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हो. एंड अगर आप एक प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर हो जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है, तो उस केस में आपको ये क्या करता है, एक अश्योरेंस प्रोवाइड करता है एंड आपका रिस्क जो है कम कर देता है. ठीक है, तो इसलिए हमें एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस की ये चीजें करके नीड होती है. ना जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस दी जाती है वो दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है. शॉर्ट टर्म में फिर फर्दर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में होती है. शॉर्ट टर्म में फर्दर दो तरह की आती है, टर्नओवर बेस्ड एंड एक्सपोर्टर एक्सपोजर बेस्ड. ठीक है, शॉर्ट टर्म मीन्स क्या हो गया कि पीरियड शॉर्ट है आपका. ठीक है, टर्नओवर बेस्ड क्या हो गया कि आपकी टर्नओवर कितनी है उस हिसाब से कुछ पॉलिसीज दी हुई है वो आपको दी जाती है. एंड एक्सपोजर बेस्ड हो गया कि आपका रिस्क कितना है ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व उसके अकॉर्डिंग. नाउ दीज आर द नेम्स ऑफ द पॉलिसी, आपको इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बिकॉज इसके ऊपर कुछ फर्दर डिस्कशन नहीं कर रही हूँ. नेक्स्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में भी आपको दी हुई है इंश्योरेंस, तो बेसिकली ये आपका पीरियड के ऊपर वेरी करेगी. देन ECGC जो है क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है बैंक्स को भी, बिकॉज बैंक क्या करता है, बैंक आपका प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कवर कर रहे हैं, तो बैंक भी रिस्क ले रहा है, तो उस केस में ये बैंक को भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ताकि कल को उसका कुछ क्रेडिट लॉस हो तो वो भी कवर हो सके. ठीक है, एंड दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दी इंश्योरेंस दैट आर प्रोवाइडेड टू बैंक्स. नेक्स्ट है कुछ स्पेशल स्कीम्स जो कि स्पेशल स्कीम्स ऑफ इंश्योरेंस निकालेंगे बाय ECGC, जैसे कि ट्रांसफर गारंटीज, अगर आप सामान ट्रांसफर कर रहे हो तो उस चीज की गारंटी, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट गारंटी, अगर आप किसी फॉरेन कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस चीज के इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ रहे, आपकी मिसयूज ना हो, उस चीज की गारंटी. एंड एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इज कवर. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज जब भी आप फॉरेन करेंसी में डील करते हो तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का रिस्क हमेशा सबसे बड़ा रहता है, तो उस चीज को कवर करने के लिए भी आपको ये हेल्प करती है, तो ये स्पेशल स्कीम भी ECGC निकालता है. नाउ अनदर थिंग इज नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, दिस इज अनदर फैसिलिटी दैट इज प्रोवाइडेड, जिसमें क्या होता है आपका पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क कवर कर दिया जाता है, बिकॉज लॉन्ग एंड मीडियम टर्म वाले अगर आप कुछ ज्यादा पीरियड के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में आपका रिस्क जो है ज्यादा होता है, तो वहां पे आपको स्पेशल इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है बाय NNEIA, जिससे आपका पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क कम हो जाता है. एंड ये प्रोवाइड करता है NNEIA ट्रस्ट आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें ये बायर के सारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन को क्या करता है, बायर के जितने भी सारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसको उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है. ठीक है, जो कि जिससे क्या होता है कि आप देख सकते हो कि उसकी अबिलिटी है भी या नहीं आपके एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स को पे करने की. तो दिस वाज द रोल ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कमीशन, एंड हमारा ये सेक्शन 6 जो है इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया है.